प्रश्न देखिए 14 नंबर, कह रहा है एक भोज में 3 महिलाओं और 5 पुरुष को बैठाना है, ज्ञात कीजिए कि उन्हें कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि दो महिलाएं एक दूसरे के बाद बैठे, दो महिलाएं कहा हो एक दूसरे के बाद बैठे यानी कि एक साथ नहीं बैठे। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको गलती कर दिया, नहीं बैठना देना चाहिए था। देख लीजिए अंग्रेजी वाले में कह रहा है कि 3 वुमेन और 5 मैन आर सिट इन ए रो फॉर ए डिनर, फाइंड इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज सो दैट नो 2 वुमेन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ताकि दो महिलाएं एक दूसरे के बाद ना बैठे, ठीक है, ना बैठने यहाँ कहना चाहिए था, ये गलत दिया है। चलिए इसको सुधार दिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी है ना, तो जिसमें प्रतिबंध नहीं पहले उसको लिखिए, तो लिखेंगे पांच पुरुषों को एक पंक्ति में बैठाने का तरीका, एक पंक्ति में बैठाने का तरीका बराबर में हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अच्छा, बॉक्स बनाएंगे कितना, इसके 2 गुने से 1 अधिक ना, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 11 को बॉक्स बनाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 2, 11 हो गया, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं, तो कितने पहले किसको बैठाना, पुरुष को, तो एक एक छोड़ के बैठाएंगे ना, पुरुष को, यहाँ मेल यहाँ बैठेगा, मेल यहाँ बैठेगा, 1, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब बाकी जगह क्रॉस दे देंगे, तो बाकी जगह क्रॉस दे दीजिए, तो क्रॉस स्थान कितना आएगा, 6 × 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो लिखेंगे 6 क्रॉस वाले स्थानों पर 3 महिलाओं को बैठाने का तरीका, तीन महिलाओं को बैठाने का तरीका बराबर में हो जाएगा 6P3। इसलिए कुल अभीष्ट तरीका हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल और गुना में हो जाएगा 6P3। समझ गए, सिंपल है ना, ये चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका